son. So we will be discussing about the real classes. Now these are the gases that actually show deviation from the ideal. तो जो भी आप आइडियल गैसेस पढ़ के आए हो, ठीक है? आइडियल गैसेस में हमने क्या कहा था? हमने तीन लॉज डिस्कस किए थे. What were the three laws? Boyle's law, Charles law, Avogadro law, ठीक है? तो number of laws we studied for the gases and the ideal gases they were actually following, they were obeying those laws. तो जो गैसेस उन लॉज को ओबे कर रही थी और उनकी तरह बिहेव कर रही थी हमने उनको कौन सी गैसेस का आइडियल गैसेस अच्छी गैसेस का क्योंकि वो सारी चीजें मान रही थी. ठीक है, अब जो गैसेस जो हैं उन यू कैन से बिहेवियर से डेविएट कर गए, राइट? अब जो गैसेस जो हैं वो आइडियली नहीं बिहेव करती हैं, वो उससे डेविएशन शो करती हैं. उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? रियल गैसेस. व्हाट वी कॉल दीस गैसेस एज रियल गैसेस. So these are the gases that actually don't obey the laws, gas laws. At all the conditions, top temperature and pressure. But instead of this, they will be showing deviation from this law, from this ideality. ठीक है, उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? रियल गैसेस कहते हैं. ओके, और हमारी जितनी भी अवेलेबल गैसेस हैं, they are actually the real gases. Right? I have written here that they don't obey gas law at all the conditions of temperature and pressure. That means there are some of the specific conditions of temperature and pressure जिनको ये क्या करेंगे? मानेंगे. Okay, so they will be obeying this behavior, the ideality behavior, only at a certain temperature and pressure. And write down, that is, the pressure should be very low. The pressure should be very low. No pressure, and high temperature. Any temperatures they will behave ideally. They will behave ideally. ठीक है, जब वो प्रेशर लो प्रेशर पर क्रॉस करेंगे वेरी हाई टेम्परेचर रहेंगे आइडियल गैस बिहेवियर. अदरवाइज अगर आप रिवर्स कंडीशन में दो हाई प्रेशर पर दो एंड इफ द टेम्परेचर इज लो देन देयर इज मैक्सिमम डेविएशन. बहुत ज्यादा जो है गैसेस क्या करेंगी? डेविएट करेंगी फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. ओके, सो इफ वी कंसीडर द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करती हूँ प्रेशर का विद द वॉल्यूम, तो हमारे पास जो एक्चुअली प्लॉट आ रहा है इज लाइक दिस. Where this one is the ideal gas and this is the real gas. Okay, then I'm going to plot for the pressure and the volume in case of the ideal and the real gases. So the plot has to be like this. अब ये यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? What you can view from this? कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, सी देयर डेविएशन. ये आइडियल गैस बिहेवियर है, यहाँ कोई नहीं रियल गैस. That means their deviation is very very high. But जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, when the pressure is decreasing, their deviation, ठीक है, that also decreases. Over a specific volume. देख रहे हो ना? ठीक है, यहाँ पर आपके क्या हो रही है? उनकी deviation कम हो रही है. यहाँ पर डेविएशन ज्यादा है, यहाँ पर डेविएशन क्या होती है? कम.
ओके सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर कि जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा होगा ओके दिस डेविएशन इट विल बी मोर एंड जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करते जाओगे ओके व्हेन द प्रेशर इज बिकमिंग लो एंड लो द रियल गैसेस दे विल अप्रोच व्हिच गैस व्हिच बिहेवियर आइडियल गैस बिहेवियर ओके. नाउ व्हाई वी एक्चुअली शो दिस डेविएशन, क्या रीजन है. सो देयर इज वन रीजन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हियर. Now this deviation it is actually known by the compressibility factor. जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन सी गैसेस हैं वो highly compressible हो सकती हैं और कौन सी नहीं. Okay? Here this Z compressibility factor it is equal to PV by Now, if you see, अगर मैं Z को 1 कर देती हूँ, suppose if the Z is 1 for this equation, तो क्या बनेगी ये equation? P equal to nRT. Ideal gas equation property आई हूँ. हाँ जी बेटा. तो यानी कि ideal gases के लिए जो compressibility factor होता है, क्या होता है? 1 होता है. But what if the Z is not equal to 1? So, अगर not equal to 1 का case लूंगी मैं, तो यहाँ पर दो cases आ जाते हैं. या तो वो 1 से छोटा है, या तो वो 1 से बड़ा. यही दो cases आएंगे. हाँ जी. If it is less than 1, then it will be showing negative deviation. And if it is greater than 1, it will be showing positive deviation. ओके फॉर जेड लेस देन 1 अगर जेड की वैल्यू जो है वो 1 से कम है तो इस स्टेज में जो गैसेस हैं दे आर मोर कंप्रेसिबल ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं ओके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इट इज लेस देन 1 दैट मींस द गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल राइट. And if Z is greater than 1, that means they will be showing the positive deviation from the ideal gas equation. So, the ideal gas equation's behavior that they will be showing in the positive direction. Okay, positive deviation. And here the gases are. Here the gases less compressed. If the positive deviation is there, the gas will be more compressed. Right? Okay? Again, we will be studying this in form of different gases. I'll be making a plot of compressibility factor with the pressure. So, Z ka aur P ka plot change na. Okay, here this is the value of Z, that is 1. ठीक है यहाँ पर जो Z की value है वो 1 है. Now you can see, अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी तो वो नेगेटिव डेविएशन होगी, अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगी दैट विल बी द पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, 1 यहाँ पर क्या शो कर रही है, आइडियल गैस. फॉर द वन दैट मींस वी आर कंसर्नड हियर विद द आइडियल गैस इक्वेशन. तो जो भी आइडियल गैस होंगी वो यहाँ पर ऐसा बिहेवियर शो कर रही है. ओके, बट व्हाट इफ दे आर शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं दैट मींस वो नीचे की तरफ ज्यादा करेंगे डेविएट. So the plot will be like this. Okay. So I made 3 plots like this. एक है N2 का, एक है मीथेन का, एक है कार्बन का. This is the negative deviation. The negative deviation from the ideal gas. फॉर द पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का मतलब है कि 1 से ज्यादा होगा. सो द प्लॉट विल बी लाइक दिस.
For the positive deviation, the plot will be like this, where the first one is for the hydrogen and the second one is for the helium. ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव डेविएशन एंड फॉर द पॉजिटिव डेविएशन वी नो दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड हियर देयर इज नेगेटिव डेविएशन एंड फॉर दिस वी नो द सेकंड लेस देन 1. ओके, सो दीस आर द प्लॉट्स फॉर द वेरियस गैसेस दैट वी हैव डन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. If Z is equal to 1, then the gas will choose to be as the ideal gas. ठीक है जी, clear? अभी तक हमने pressure का effect study किया है. Effect of pressure is there कि जब जब हम high pressures पे जाएंगे तो maximum deviation होगी. ठीक है, और जैसे ही हम low pressures पे जाएंगे तो deviation है वो कम होती जाएगी. ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो जैसे जैसे pressure कम है deviation कम है. तो अभी हम पढ़ने आए हैं कि टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा ये डेविएशन जो है अपनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन गैस. मैंने नाइट्रोजन गैस ले ली है. नाउ आई विल बी प्लॉटिंग फॉर द पीवी एंड वी का. ठीक है, पीवी और पी का प्लॉट करते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द मोलाइन्स लॉ. So here I am having different temperature ranges. यहाँ पर मैं different temperature ranges ले रही हूँ. ठीक है, ठीक है. Now if you see their deviation, if you see their compressibility factor, here that is showing more deviation. देख सकते हो आप. ये नॉर्मल बिहेवियर है जो मैंने डॉट पे शो किया होगा. सी, दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर दैट आई हैव शोन एज डॉट. ये नीचे कर्व जो डिप आ जाता है दैट मींस दिस इज द डेविएशन एंड दिस डिप इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस. ठीक है जी, ये डिप जो है ये द डेविएशन पार्ट it will decrease as we approach to the higher temperature. तो अभी हम क्या पढ़ते आए हैं? Ideality behavior it will be a stability at low pressure and high temperature. ठीक है जी? Where the T4 is 4, then T3, then T2. Yes? अब व्हाट इफ अगर मैं T4 का T5 T6 T7 ले लूं तो इस डिप का क्या होगा? ये जो डिप है ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. दैट मींस एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेंपरेचर ऐसा आएगा जहां पर ये जो रियल गैस है इट विल बेसिकली गेट कन्वर्टेड टू आइडियल गैस. उस टेंपरेचर को जिस टेंपरेचर की रियल गैस है वो आइडियल गैस में चेंज हो जाती है दैट इज नोन एज what is Boyle's temperature? The temperature at which the real gases they will convert into the ideal gases. Okay, so you can write down the temperature at which the real gas behaves as an ideal gas. Boyle's temperature. One more definition पूछ सकते हैं आपसे. So the temperature at which the real gas it will behave as a ideal gas over an appreciable range of pressure. Over an appreciable range of pressure.
ठीक है जी बेटा। चलिए अब एक रिलेशन लिखना हमने फॉर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ सिंगल एंड डबल गैसेस। यू नो इफ द गैस इज रियल इट शुड बी ओबेइंग द गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू nRT। क्या होता है स्विच हो गया एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर the temperature at which the real gases they behave as ideal over an appreciable range of temperature. Okay. Now we will be writing an expression for the compressibility factor of ideal and the real gases. So hume pata hai ki the gas is real we will be obeying this law or this equation P is equal to nRT where V ideal will be equal to nRT by T. यही होगा ठीक है। Let us write up the set. हाँ जी जेड का एक्सप्रेशन यही होगा ठीक है कि नहीं। अब यहां से हमने क्या डिडक्ट किया है T over nRT what that is equal to this is your P this is your P over nRT V equal by P idea okay nahi dekho this whole factor P nRT that is equal to P idea main yahan par Now the very important thing or the very important one is the gas equation. अब जैसे आपने आइडियल गैस इक्वेशन निकाल ली आपको पता दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है डेरिवेशंस उसकी इन द सिमिलर वे वी आर हैविंग द रियल गैस इक्वेशन। अब ये जो उसकी डेविएशन थी ओके व्हाटएवर द डेविएशन दैट वाज शोन बाय दिस रियल गैसेस तो उसको हमने कंपनसेट किया उसको हमने ओवरकम करके एक नया एक्सप्रेशन दिया दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर द रियल गैसेस। तो जो आइडियल गैसेस हैं, दे विल बी ओबेइंग P इक्वल टू nRT, बट जो रियल गैसेस हैं, उनके लिए हमने एक नई गैस इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी है। ओके, सो लेट्स राइट डाउन। सो राइट डाउन कॉज ऑफ डेविएशन फर्स्ट थिंग। राइट डाउन द कॉज ऑफ डेविएशन। Cause of deviation from ideal gas. We have not done the kinetic theory that was not in your syllabus, but two points the kinetic theory the, जिनके कारण जो gases थी वो deviate हुई. So write down the very first point. The volume occupied by the gas molecules, these are the two points. सुन लो पहले बेटा, ये kinetic theory के दो points हैं, ठीक है? That are actually wrong. उनको हमने correct करना है, उनको correct करके हमारी equation को भी साथ में correct कर देंगे, ठीक है? So first point लिखो, that is actually wrong. The volume occupied by the gas molecules, the volume occupied by the gas molecules is negligible. The volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to the total volume of the gas as compared to the total volume of the gas. अब देखो ये पॉइंट क्या कहता है सबसे पहले
this point states that the volume of gas, जो गैस की वॉल्यूम है, आपको पता गैस किस किस की बनी हुई है, बोलो, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और आपको पता है गैसेस के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस आल्सो, होती है ना, तो हम उस एम्प्टी स्पेस की तो वॉल्यूम लेंगे, राइट, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस, क्लियर, इज दिस क्लियर, व्हेनेवर यू ट्राई दैट, मैंने गैस को एक्सपैंड किया, मैंने गैस को कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके, इन द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द गैसेस, अब किसी चीज को एक्सपैंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, एक्सपेंशन में भी उसका साइज बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में भी साइज जो है वो कम हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग कि मैं कुछ प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करके उसका साइज कम ज्यादा कर रही हूँ, बट डू यू थिंक द गैस मॉलिक्यूल्स दे विल बी कंप्रेस्ड, क्या आपको लगता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेस होंगे, गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो ज्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है उनकी कंप्रेस करने की गैसेस की, गैस को आप ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, उसको आप कर सकते हो, बट गैस के मॉलिक्यूल को तो नहीं ना कंप्रेस कर सकते, हम कंप्रेशन का मतलब क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पास पास ला रहे हैं, दैट मीन्स जो उनकी स्पेस है उसको हम कम कर रहे हैं, यही कहते हैं ना हम, ठीक है, कि हम उनकी स्पेस को कम करके मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं कि मैं मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर रही हूं तो मैं मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकती गैसेस के, सो दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये वाला फैक्टर जो है वो बिल्कुल क्या रहता है, जीरो, नेग्लिजिबल, इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में तो सिर्फ किसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, सिर्फ एम्प्टी स्पेस की वॉल्यूम चेंज हो रही है, पहला फैक्टर समझ आया, एक्सप्लेनेशन समझ आ गई इसकी, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, व्हाट आई हैव टू डू इज कि जितनी टोटल वॉल्यूम है, अब ये फैक्टर रह रहा है कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स हर बारी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टोटल वॉल्यूम है गैस की उसमें से इस चीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, एंड दैट इज एक्चुअली डिडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन बी, ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से मुझे ये वाला फैक्टर जो है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज द करेक्शन अप्लाइड, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है, बट अगर आपको यहीं पे समझ आ रहा है क्योंकि आप समझ लो एक बारी, तो ये सारी हम जो गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे तब तो बताऊंगी सारा, ये चीज क्लियर हो गई, तो हर बारी अगर हमने किसी गैस की वॉल्यूम देखनी है तो उसमें से ये वाला फैक्टर जो है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेम रह रहा है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स दे आर इनकम्प्रेसिबल, तो एवरी टाइम इन द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ओनली दिस थिंग इज चेंजिंग, ठीक है, एंड वी आर एक्सक्लूडिंग दिस वॉल्यूम, हमने इस वॉल्यूम को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है, ये वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये बी भी जो है दैट इज द फैक्टर ऑफ को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है जी, ये बी जो मैंने लिखा है दैट इज को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, N is the number of moles of the gas, जितने भी आपने उस गैस के number of moles लिए हैं. Now write down the second one. Write down the second one. The force of attraction and repulsion. The force of attraction and repulsion among the gas molecules. The force of attraction and repulsion among the gas molecules are negligible.
इस एक्सप्रेशन को आप लिख लो एक जगह टॉप पे लिख लो चाहे, ठीक है, क्योंकि हमने आगे डिराइव करने में यूज करना है, तो फिर मैं डायरेक्टली डिराइव करूंगी, वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। करेक्टेड वॉल्यूम वी माइनस एन बी, वेयर बी इज वन मोल ऑफ दी, सॉरी बी इज द को वॉल्यूम और द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। डन। हो गया यहां तक बेटा? चलिए अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं। सेकेंड फैक्टर में वो कह रहे हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? हाँ जी रमन, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है? नहीं। ये चीज कब हम एग्री करते हैं? व्हेन वी एग्री टू द स्टेटमेंट, सी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दे आर नेग्लिजिबल ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तभी होगा ना, जब वो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, जब वो एक दूसरे के पास नहीं है, तो ना ही अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे, ठीक है। एंड ऑन विच कंडीशन दिस इज पॉसिबल, जब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, हाई टेम्परेचर, मोर काइनेटिक एनर्जी, द गैस मॉलिक्यूल्स दे आर एक्चुअली स्कैटर्ड, रेंडमली स्कैटर्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा हाई डिस्टेंस पे है। बट वॉट इफ द टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, देन दैट मीन्स दे आर एक्चुअली फेसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, ओके। सो एक्चुअली द सेकंड पॉइंट इज वैलिड ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, बट व्हाट इफ द टेम्परेचर इज लो, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे हम? तो उस पॉइंट पे तो वो डेविएशन शो करेगा ही फिर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे तो हमने क्या दिया, आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच कर दिया, नेग्लिजिबल हो गई। बट जब टेम्परेचर कम कर दिया फिर क्या, दे विल बी डेविएटिंग, दे विल बी शोइंग डेविएशन, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, ओके। सो हाउ दिस फैक्टर इज ओवरकम, तो सेकेंड करेक्शन अप्लाई करने के लिए वॉट वी अज्यूम, हमने एक गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सपोज कर लिए हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर, ठीक है। नाउ वी विल बी सीइंग देयर अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन विद द अदर मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहां पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनाऊंगी, एक है सी मॉलिक्यूल, दिस इज सी मॉलिक्यूल, ओके। क्या दिख रहा है आपको यहां पर? That means this C molecule, it is equally attracted to all the other molecules that are present. ठीक है, equal attraction या equal repulsion हो रही है, यही है ना? Okay, equal attraction and equal repulsion factor is there कि अगर C को कोई attract कर रहा है तो C भी उसको attract कर रहा है, अगर C को कोई repel कर रहा है, so that means repulsion factor is also there. तो यहां पर in general जो है वो nullify हो रहा है effect. But What for this molecule? ये वाले molecule का क्या, जो wall पे लगा हुआ है? हाँ जी, what about this molecule? इसको सारे अंदर की तरफ तो खींच रहे हैं, but on the other side, its effect is not nullified or not cancelled. ठीक है, तो यानी कि यहां पर अभी भी possibility है कि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट हेयर द फोर्सेस दे आर नॉट एक्चुअली कंपेंसेटेड, फोर्सेस दे आर नॉट कंपेंसेटेड, इक्वलाइज नहीं हुई हैं। सो इन ऑर्डर टू इक्वलाइज देम वी विल बी एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कोफिशिएंट, दैट इज अट्रैक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, तो वो कल करेंगे।